मिनी ट्रैक्टर मुर्गी वाला। एक गांव में मानसिंह नाम का एक मुर्गी का व्यापारी रहता था। वो अपने मुर्गी फार्म से मुर्गियों को ऑटो में ले जाकर गांव में बेचता था। वो बहुत कंजूस था। एक दिन ऑटो ट्रॉली ड्राइवर मानसिंह से, साहब कल से आपको मुझे पैसे देने होंगे, मैं अब आपके मुर्गियों को मार्केट मुफ्त में नहीं ले जा सकता, पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया है, कल से आप मुझे ट्रिप का 500 रुपए देंगे तभी आऊंगा, वरना मैं नहीं आने वाला। मेरा जो बकाया है अब तक तुमने वो नहीं चुकाया है, ये बात तुम भूल रहे हो। अरे साहब गलती हो गई, जो 5 साल पहले मैंने आपसे 20,000 रुपए लिए थे उस ब्याज पर ब्याज डालकर पिछले 5 सालों से आप मुझसे मुफ्त में काम करा रहे हैं। मेरा भी एक परिवार है, मैं उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं करा पाता। आपको जो करना हो कीजिए, जरूरत पड़े तो पुलिस स्टेशन जाकर मेरे खिलाफ केस दर्ज करिए। मुझे जेल में जाकर बैठना मंजूर है पर आपके पास मैं काम नहीं करूंगा। पुलिस स्टेशन का नाम सुनते ही मानसिंह अपने मन में, अगर ये पुलिस स्टेशन चला गया तो मुझे भी इसके साथ साथ जेल में बैठना होगा। लेकिन बाहर, हाँ ठीक है जाओ, ऐसा बकवास करता है मानो इसने बहुत काम किया हो। अरे तुम नहीं आए तो क्या हुआ, दुनिया में और बहुत सारे ऑटो वाले हैं। अरे ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती थी जो तुम मेरे लिए काम कर रहे थे। अरे मेरी नौकरी छोड़कर तुम पछताओगे, देखते जाओ। ठीक है जाओ जाओ, कहकर अपना ऑटो लेकर वहाँ से चला गया। मन ही मन मानसिक बहुत परेशान हुआ। इतने दिन इसे उल्लू बनाकर इससे मैंने बहुत काम लिया, अब हर रोज मुझे 500 रुपए खर्च करने होंगे। बाप रे इतना पैसा, यानी महीने के 15,000 रुपए। कुछ ना कुछ करना होगा, कोई उपाय सोचना होगा। यूं वो परेशान होकर घर पहुंचा, तभी उसने देखा कि उसके पड़ोसी का लड़का दीपू अपने मिनी ट्रैक्टर के साथ खेल रहा था। ये देखकर मानसिंह के दिमाग की बत्ती जली। आधी रात को जब सब सो रहे थे तो मानसिंह उसके घर गया और दीपू के मिनी ट्रैक्टर को चुरा कर चला गया। वो उस ट्रैक्टर को चलाते हुए अपने मुर्गी फार्म पे गया, वहां उसे छिपाकर घर ऐसे लौटा मानो वो कुछ जानता ही नहीं। अगले दिन सवेरे अपने ट्रैक्टर को गायब देखकर दीपू रोने लगा। उसने अपने मिनी ट्रैक्टर को आसपास के घरों में ढूंढा। वो मानसिंह के घर भी पहुंचा। अंकल जी कल रात से मेरा मिनी ट्रैक्टर गायब है, क्या आपने उसे कहीं देखा? अब मुझे क्या पता, हमारे पड़ोस में रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चोर हैं। दोबारा हमारे घर आकर यूं बेकार के सवाल ना करना। दीपू वहां से रोते रोते चला गया। मानसिंह मन ही मन बहुत खुश हुआ। अगले दिन मानसिंह ने उस मिनी ट्रैक्टर के साथ एक ट्रेलर जोड़ दिया। उसने अपने मुर्गियों को उस ट्रेलर के 2 कंपार्टमेंट में भरा और उन्हें लेकर वहां से निकला। वो यूं मार्केट की ओर जाने लगा। वो अपने मन में, अब ऑटो वाले ने मना किया तो क्या हुआ, मैं अपने मुर्गियों को मार्केट ले नहीं जा सकता, अरे मेरे दिमाग का कोई जवाब नहीं है, यूं सोचने लगा। यूं कई दिन बीत गए। दीपू अपने मन में, मैंने कई लोगों से कहा कि मेरा मिनी ट्रैक्टर गायब है, सबने यही कहा कि हम नहीं जानते कि कहाँ है, लेकिन ये मानसिंह अंकल ने मुझे बहुत कुछ कहा और डांटा भी, ऊपर से आजकल वो मुझे ऐसे घूरते हैं मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, पता करना होगा कि आखिर बात क्या है। अगले दिन सवेरे जब मानसिंह अपने घर से बाहर निकला तो दीपू भी उसका चुपचाप पीछा करने लगा। उसने मानसिंह को मिनी ट्रैक्टर में मुर्गियों को ले जाते हुए देखा। दीपू अपने मन में, एक तो इन्होंने मेरा ट्रैक्टर चुराया, ऊपर से मुझे खरी खोटी सुनाई, इस अंकल को जरूर सबक सिखाना होगा। अगले दिन सवेरे मानसिंह मुर्गियों को ट्रैक्टर में भरकर ड्राइविंग सीट में जा बैठा।
दीपू अपने पास के रिमोट कंट्रोल से उस ट्रैक्टर को कंट्रोल करने लगा। जैसे ही मानसिंह ट्रैक्टर में बैठा तो ट्रैक्टर तेजी से आगे जाने लगा। मानसिंह मारे डर के, बाप रे ये क्या, मैंने तो अभी स्टार्ट भी नहीं किया था, ट्रैक्टर आगे कैसे बढ़ने लगी। अचानक ट्रैक्टर पीछे जाने लगी। मारे डर के मानसिंह, बाप रे लगता है इस ट्रैक्टर को भूत चढ़ गया, हाय रे मुझे कोई बचाओ, अरे बचाओ भाई बचाओ, कहकर जोर से चिल्लाने लगा। दीपू अपने मन में, एक तो मेरा ट्रैक्टर चुराया और मुझे धोखा दिया, ऊपर से मुझे ही गाली दे रहे हैं, अभी तुम्हारी खबर लेता हूँ। यूँ सोचकर वो ट्रैक्टर को तेजी से आगे पीछे दाएं बाएं सब तेजी से चलाने लगा, फिर सीधा ले जाकर उसे तालाब में डुबो दिया। मानसिंह उस मिनी ट्रैक्टर के साथ तालाब में गिर गया। ट्रैक्टर में रखे सारी मुर्गियां तालाब में गिर गईं। जब मानसिंह की आंख खुली तो उसने देखा कि वो अस्पताल के बिस्तर में पड़ा है। मानसिंह की पत्नी सीमा, तुम अपने कंजूसी के कारण उस ऑटो ड्राइवर को बहुत सता रहे थे और अब पड़ोसी दीपू के खिलौने चुरा कर तुम पैसे बचाना चाहते थे। तुमने यूं जो पैसे बचाए हैं उसका 10 गुना तुम्हारे इलाज के लिए खर्च हुआ है। ये सुनते ही मानसिंह बेहोश हो गया। अगले दिन मानसिंह अस्पताल से छूटकर घर पहुंचा। उसने घर जाकर देखा कि दीपू अपने मिनी ट्रैक्टर के साथ खेल रहा था। अंकल जी आपको ट्रैक्टर चाहिए क्या? नहीं 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 चाहिए, कहकर घर के अंदर चला गया।